हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कई तरीके का फीचर्स दिया हुआ है और उसमें कई तरीके का आप फोटो एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसमें एक बहुत ही शानदार फीचर्स दिया हुआ है और उसमें एक शानदार फीचर्स ये दिया हुआ है कि उसमें आप बॉयज़ से गर्ल और गर्ल से बॉयज़ बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और उसमें भी कई तरीके का फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो ये हम आपको इस एप्लीकेशन की पूरी जानकारी देंगे और ये एप्लीकेशन हम आपको मोबाइल पे बताएंगे कि कैसे कैसे उसमें क्या होता है। तो मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं टेक्नो अजीत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार गाइस, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको फेस ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे मैंने फेस ऐप इंस्टॉल कर लिया। मैं आपको इसका कुछ खास ट्यूटोरियल है नहीं क्योंकि ये एक फ़िल्टर टाइप का ऐप है। बस आपको क्लिक करना है और एक क्लिक में आपका ये सब फ़ोटो ढेर सारा यहाँ पे फ़िल्टर दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे जेंडर का भी फ़िल्टर आपको दिया गया है। तो ये ऐसा फ़ोटो बनाता है जो एकदम रियलिटी लगता है दोस्तों और काफ़ी शानदार। ऐसा एडिटिंग करने पे भी जल्दी बन नहीं पाता। यहाँ पे आप फीमेल का बस फ़िल्टर लगा दीजिए और यहाँ पे ये थोड़ी देर में लड़का फ़ीमेल में बदल जाएगा दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इसका एडिटिंग काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे एक फ़ीमेल टू का भी यहाँ पे दिया हुआ है फ़िल्टर। तो हम उसे भी लगा के आपको दिखाएंगे कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। और यहाँ पे बहुत सारे वैसे तो फ़िल्टर दिए हुए हैं लेकिन आपको इसका प्रो वर्जन ख़रीदना होगा, तब आपको सभी फ़िल्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये लड़कियों का फ़िल्टर दिख रहा हूँ और यहाँ से आप सेव करके इसी को आप इस लड़के को दिखा सकते हैं। तो वो काफ़ी हैरान हो जाएगा कि यार मेरा ये फ़ोटो ऐसा कैसे बना दिया है, तो जबकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको कुछ और भी फ़िल्टर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम इसे थोड़ा सा ओल्ड एज वाला बना देंगे। तो यहाँ पे एज वाला आप फ़िल्टर में जाके यहाँ पे आप यहाँ पे ओल्ड वाला आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये थोड़ा सा बूढ़ा टाइप का हो जाएगा। और ये देखिए, ऐसा एडिटिंग करने पे भी, जबकि अक्सर बहुत ही काफ़ी मेहनत करने के बाद ऐसा आप फ़ोटो बन पाता है, लेकिन यहाँ पे आप केवल बस टच करेंगे और आपका फ़ोटो तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पे एक और बहुत ख़ास फीचर दिया हुआ है, वो है फेस मॉर्फिंग वाला। तो यहाँ पे मैं फेस मॉर्फिंग वाला करता हूँ स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आप सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो आप अपने फेस के अंदर ला सकते हैं, जैसे आपको मतलब उसी के जैसा आप दिखने लगेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम आप फेस मॉर्फिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा गाइस, यहाँ पे हम फेस मॉर्फिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन में सेलिब्रिटीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे हम किसी भी सेलिब्रिटीज़ का हम यहाँ विराट कोहली को ले लेते हैं। विराट कोहली की फ़ोटो यूज़ करेंगे। यहाँ पे यूज़ दबा दीजिए और यहाँ पे जो उसका चेहरा है थोड़ा बहुत विराट कोहली से मैच करने लगे दोस्तों। तो यहाँ पे फ़िल्टर ये हो स्टार्ट होने दीजिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन यहाँ पे देखिए, और ये इसका फेस एकदम विराट कोहली जैसा हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे फेस मॉर्फिंग आप कर सकते हैं जिससे आपके फेस में विराट कोहली के फेस अंदर आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है और आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं काफ़ी सिंपली तरीके से। अगर आप थंबनेल वगैरह बनाते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रिक वाला यूज़ किया और ये तुरंत काम करता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसने कर दिया है। और यहाँ पे आप ब्लर भी, बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकते हैं। तो यहाँ लेंस ब्लर पे जाके स्टैंडर्ड बूके मोड बहुत सारे मोड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हैं केवल एक क्लिक में। तो ये ऐप काफ़ी बढ़िया है, आप ज़रूर इसे यूज़ करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इसका, आप इसे यूज़ करके लोगों को हैरान कर सकते हैं। खास करके इसका जो मेल फीमेल वाला इफ़ेक्ट है और यहाँ पे जो मॉर्फिंग का इफ़ेक्ट है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको वहाँ डाउनलोड करके, और आप इसका प्रो वर्जन ख़रीदने के बाद आपको बहुत सारे और फ़िल्टर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो यहाँ पे फीमेल बना के आपको एक सेव करके दिखाऊंगा इसकी फ़ोटो क्वालिटी। तो यहाँ पे जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फीमेल टू वाला सेलेक्ट करके एक फ़ोटो बना लेते हैं। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे वैसा कि ये है कि मेरा प्रो वर्जन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे मार्क देखने को मिल जाएगा फेस ऐप का। तो आप सिंपली यहाँ क्रॉप भी कर सकते हैं फेस ऐप का मार्क, या फिर आप प्रो वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउन कर लिया है सेव और मैं आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी दिखाऊंगा जो कि एकदम वैसी की वैसी ही है। आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है, और आप इस फ़ोटो को क्रॉप करके भी ला सकते हैं ताकि आपको मार्क भी ना दिखे, या फिर आप एक दूसरा वर्जन या फिर आप एक ख़रीद सकते हैं इस वर्जन को ताकि आपका मार्क भी ना आए फ़ोटो में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।